फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो सुपरहीट क्या होती है चिलर प्लांट में? सुपरहीट के बढ़ने के कारण क्या है? सुपरहीट के कम होने के कारण क्या है? सुपरहीट बढ़ती है या कम होती है तो क्या नुकसान फ़ायदे होते हैं, यानी सुपरहीट क्यों बढ़ती है, यानी सुपरहीट के बढ़ने के क्या कारण हैं, उसके निवारण क्या हैं, कैसे ठीक करेंगे, इन्हीं सब प्रश्नों के आज मैं उत्तर लेके आज इस वीडियो में आया हूँ। फ्रेंड्स, मेरे को कमेंट में बहुत सारे लोगों ने पूछा चिलर प्लांट की वीडियोस पर कि सुपर हीट क्यों बढ़ जाती है, कितनी अच्छी होती है। आज मैं ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में दूंगा। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालक चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड, देखिए जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है सुपर हीट ऑफ चिलर प्लांट। चिलर प्लांट तो आप जानते ही हैं, तो उसके लिए बात करने की जरूरत नहीं है। चिलर प्लांट जो होते हैं, जो बड़े चिलर प्लांट होते हैं, 200 टीआर, 500 टीआर, 600 टीआर, 1000 टीआर, 1200 टीआर, उनमें जो सुपर हीट है वो मायने रखती है। सुपर हीट को चेक करते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझिए सुपर हीट होती क्या है। फ्रेंड देखिए, सुपर हीट क्या होती है, रेफ्रिजरेंट, मैं आपको पहले एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, यदि मैं कि ये एक बाउल कह लीजिए या ग्लास कह लीजिए, ये कोई मैंने बर्तन ले लिया है, ठीक है, ये कोई बर्तन है, और इस बर्तन में मैंने ये क्या भर लिया है, पानी, ये पानी भर लिया है, ठीक है। अब पानी को अगर मैं नीचे से गर्म करता हूँ, इसको हीट करूँगा, तो आप जानते हो पानी को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच जाएगा तो उसके बाद, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका, इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या है, पानी फॉर्म में रहता है। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचता है तो ये वाष्प में बदलने लगता है, मतलब गैसियस फॉर्म में आने लगता है। तो यहाँ तक पानी क्या रहेगा, ये जो है धीरे धीरे, मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री का है, 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, 40 डिग्री का, 45 डिग्री का, फिर 50, 60, 100 डिग्री जैसे आएगा तो ये भाप बनकर उड़ने लगेगा, यानी वेपर फॉर्म में बदलेगा, फिर उसके बाद ही गैसियस फॉर्म में बदलेगा और उड़ने लगेगा, निकलने लगेगा। तो फ्रेंड, जो ये इसका टेम्परेचर है जिस पर ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने लगता है, मीन्स कि लिक्विड से वाष्प में बदलने लगता है, वो कहलाता है सैचुरेशन टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। क्या? सैचुरेशन टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखिए, अब ये तो पानी की बात हुई, तो इसमें जब हम यहां टेम्परेचर चेक करेंगे तो ये टेम्परेचर 108 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 112 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे ज्यादा मिलता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही यहां से भाप में बदलेगा तो इस भाप का टेम्परेचर यहां जो बदल रहा है उससे ज्यादा होगा। तो इन दोनों को अगर हम आपस में माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड, ये चेक करने पर है। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट और जो एक्चुअल टेम्परेचर है, उन दोनों का डिफरेंस है, ये कहलाता है सुपरहीट। तो ये तो समझ गया पानी की सुपरहीट कैसे है। फ्रेंड, अब देखो मैं चिलर प्लांट की समझाता हूँ। चिलर प्लांट में क्या भरा होता है, रेफ्रिजरेंट, जिसको आप गैस बोलते हो कि भाई गैस भरी है, वो गैस मीन्स रेफ्रिजरेंट बोलते हैं उसको टेक्निकल भाषा में, तो रेफ्रिजरेंट भरा रहता है। अब रेफ्रिजरेंट उसमें भी गर्म होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, इवेपोरेटर में ठंडा, गर्म होता है और कंडेंसर में जाकर ठंडा होता है। चिलर प्लांट में वाष्प में परिवर्तित होते समय एक्चुअल टेम्परेचर माइनस सैचुरेशन टेम्परेचर, जो दोनों का डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, वो चाहे डिग्री फारेनहाइट में हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो, वो कहलाता है सुपर हीट, ठीक है। कैसे? दोनों एक सर्टेन प्रेशर पर, एक निश्चित प्रेशर पर रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर और जो एक्चुअल टेम्परेचर वहां मिलेगा वाष्प में परिवर्तित हो, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो कहलाता है सुपरहीट। अब सवाल उठता है दूसरा, एक अच्छी सुपरहीट क्या होती है, मतलब सुपरहीट की रेंज कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, ये हो गया सुपरहीट, आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। दूसरा, गुड सुपरहीट क्या होती है, रेंज, एक अच्छी सुपरहीट की रेंज क्या है। हर रेफ्रिजरेंट की अलग अलग होती है, तो जो हम R134a भरते हैं उसकी रेफ्रिजरेंट की जो है वो 8 डिग्री फारेनहाइट से और 12 डिग्री फारेनहाइट के बीच में अगर सुपरहीट चलती है तो वो सुपरहीट सही है, ठीक है। कितनी? 8 डिग्री फारेनहाइट से 12 डिग्री फारेनहाइट, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट और यहां वाष्प में जो बदल रहा है रेफ्रिजरेंट, उन दोनों का डिफरेंस अगर 8 से 12 के बीच में चल रहा है तो हमारा ठीक चल रहा है। अगर 12 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा जाता है तो दैट मीन्स सुपरहीट हाई हो गई, और 8 डिग्री फारेनहाइट से नीचे आता है तो सुपरहीट लो हो गई, ठीक। कितने प्रकार की सुपरहीट होती है? दो, सुपरहीट लो, सुपरहीट हाई। अगर 8 डिग्री यानी 8 डिग्री से कम हो गई तो लो हो गई, 12 डिग्री से ज्यादा जा रही है तो हाई हो गई। अब हाई होगी तो किन कारण से होगी, लो होगी तो किन कारण से होगी, वो बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है अगला कि रीजन ऑफ सुपरहीट।
सुपर हीट के रीजन क्या है कि लो क्यों होती है और ज्यादा क्यों होती है। फ्रेंड इस चीज से एक इस प्रश्न से पहले एक प्रश्न आता है कि सुपरहीट चेक ही क्यों करते हैं प्लांट में। सुपरहीट सबसे पहले आदमी यही पूछेगा, भाई सुपरहीट चेक ही क्यों करते हैं, चेक करने की वजह क्या है। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि सुपरहीट जब हम सुपरहीट या तो हाई होगी या तो लो, जब भी हमारी लिमिट से ज़्यादा होगी या लिमिट से कम होगी, यानी 8 डिग्री से कम लो होगी और 12 डिग्री ज़्यादा हाई होगी, अगर हाई होगी या लो होगी कोई सी भी अवस्था में जाएगी एक निश्चित रेंज से ज़्यादा या कम होगी, तो उस कंडीशन में हमारे कंप्रेसर को नुकसान होता है, कंप्रेसर को वो डैमेज कर सकती है, इसलिए हमें सुपरहीट चेक करनी जरूरी होती है। जब कंप्रेसर डैमेज होगा तो हमारी एफिशिएंसी, चिलर प्लांट की एफिशिएंसी और कैपेसिटी दोनों कम हो जाएंगी, इसलिए हम करते हैं सुपरहीट चेक। वो आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड अब हम देख लेते हैं रीजन ऑफ सुपरहीट, सुपरहीट के हाई और लो होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ हाई, अगर सुपरहीट हाई होती है तो क्या कारण हो सकते हैं। देखिए सुपरहीट में क्या है फ्रेंड, ये थर्मल एक्सपेंशन वाल्व या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, ये दो लगे रहते हैं फ्रेंड। तो TXV या EXV कुछ भी लगा होगा, अगर ये प्रॉपरली डैमेज हो गया, मतलब सबसे पहला कारण है कि जो थर्मल एक्सपेंशन वाल्व या इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व कोई सा भी लगा है, जो भी उसमें एक्सपेंड कर रहा है रेफ्रिजरेंट को ठंडा होने के बाद जब एक्सपेंड करते हैं जिससे वो गैसियस फॉर्म में आए, तो वो जो वाल लगा है अगर वो डैमेज हो जाएगा तो हमारी सुपरहीट हाई हो जाएगी। डैमेज होने का मतलब वो चौक हो जाए, ठीक है, या खराब हो जाए या टूट जाए, कुछ भी उसमें दिक्कत होगी तो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है TXV और EXV नॉट एडजस्टेड, मतलब प्रॉपरली एडजस्ट नहीं है। TXV और EXV में क्या है, एडजस्ट करने का एक पॉइंट होता है, अगर वो किसी वजह से एडजस्ट नहीं है ठीक से तो भी हाई हो जाती है, वो चौक होगा तो भी हाई। तीसरा पॉइंट है लो रेफ्रिजरेंट, सबसे मेन पॉइंट यही होता है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जो चिलर प्लांट में हाई होने का, सुपरहीट हाई होने का कारण सबसे ज़्यादा यही होता है, क्या, लो रेफ्रिजरेंट, मतलब उसके अंदर जितने रेफ्रिजरेंट की आवश्यकता है। मान लीजिए हमारे प्लांट में 600 TR के प्लांट में एजम्पशन कर रहा हूँ मैं कि 400 kg रेफ्रिजरेंट आता है या 400 kg गैस आती है, और उसमें अगर 300 kg भरी हुई है तो हमारी सुपरहीट हाई हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ा कारण यही होता है, मेनली कारण यही होता है, किसमें, रेफ्रिजरेंट में के लो होना, तो लो रेफ्रिजरेंट यानी रेफ्रिजरेंट कम है उसमें। चौथा पॉइंट है रेफ्रिजरेंट रेस्ट्रिक्शन, मतलब जो रेफ्रिजरेंट क्वाइल में चलता है, जिस क्वाइल में बंद लूप में चलता है, क्लोज लूप में सिस्टम चलता है, तो रेफ्रिजरेंट जिस क्वाइल में चलता है वो क्लोज हो गई है, चोक हो गई है, उसका ओरिफिक कम हो गया है, अगर वो उसको चलने में रिस्ट्रिक्शन होगा, यानी कंप्रेसर तो प्रेशर मार रहा है लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन होगा तो सुपर हीट बढ़ जाएगी। किस कारण, रेफ्रिजरेंट रिस्ट्रिक्शन, यानी रेफ्रिजरेंट अगर क्वाइल में जो चल रहा है वो अगर चोक हो जाएगी या उसमें स्लज आ जाएगी, गंदगी आ जाएगी, तो भी वो रिस्ट्रिक्शन किसी भी प्रकार का रेफ्रिजरेंट में होगा तो हमारी सुपरहीट बढ़ जाएगी। पांचवा क्वेश्चन है मॉइस्चर इन सिस्टम, फ्रेंड अगर उस क्लोज लूप में रेफ्रिजरेंट के साथ साथ मॉइस्चर आ जाएगा, क्योंकि ड्रायर लगा होता है ड्राई करने के लिए, अगर मॉइस्चर आ जाएगा तो मॉइस्चर के कारण भी क्या होगा, रेफ्रिजरेंट में रिस्ट्रिक्शन आएगा, यानी उसमें वेपर की पानी की मॉइस्चर ही हो जाए, पानी की फॉर्म में पहुंच जाएगा, तो वो प्रॉपरली पानी जो है और रेफ्रिजरेंट जो है दोनों का टेम्परेचर काम करने का अलग अलग होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है उसका अलग है, तो वो क्या करेगा, उसमें रिस्ट्रिक्शन करेगा उसको जाने से, जिसके कारण सुपरहीट बढ़ जाएगी। छठा इसका कारण है हाई इवेपोरेटर हीट लोड, मीन्स हमारा 600 TR का प्लांट है और उस पर हमने इवेपोरेटर पर ज़्यादा लोड डाल दिया है, तब भी हमारा सुपरहीट हाई होने के चांसेस हो जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है कंप्रेसर पंपिंग लो, यानी कंप्रेसर ही काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, कंप्रेसर चल तो रहा है लेकिन पंप प्रॉपर नहीं कर रहा है, रेफ्रिजरेंट को आगे प्रॉपर नहीं कर रहा है, रेफ्रिजरेंट कम चल रहा है, तो उस केस में भी हमारी वो जो है बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, सुपरहीट हाई हो जाएगी। और आठवां कारण है ब्लॉक्ड एयर ड्रायर, यानी एयर ड्रायर जो है वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है, मॉइस्चर वगैरह जो जाता है वो उसको ड्राई नहीं कर रहा है, या उसकी लाइन चौक हो गई है, या एयर ड्रायर हमारा खराब हो गया, तब भी हमारी सुपरहीट हाई हो जाएगी। तो कितने कारण हैं, 7-8 कारण है फ्रेंड, लेकिन मेन जो कारण होता है वो यही होता है, मोस्टली यही कारण नॉर्मली देखने को मिलेगा। कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप रेफ्रिजरेंट चेक कीजिए, अगर वो कम है तो उसको बढ़ा लीजिए, ठीक है, सबसे ज्यादा कारण यही होता है। अब करते हैं लो, लो किन कारणों से होती है सुपरहीट, फ्रेंड लो होने के कारण भी सुपरहीट के यही हैं। देखिए अगर ये TXV EXV डैमेज होने का मतलब उसको रेफ्रिजरेंट को आगे निकाल ही नहीं रही है तो हाई होगी, और अगर ज़्यादा निकालेंगी तो लो हो जाएगी, ठीक है। तो TXV यानी थर्मल एक्सपेंशन वाल्व और EXV
इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन वाल्व अगर ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा निकाल रहे हैं तब भी हमारा लो भी हो सकती है, यानी सुपर हीट जो है उसके कारण लो भी होती है। टीएक्सवी ईएक्सवी डैमेज होने से हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा सबसे मेन कारण इसमें आता है, जो जैसे हाई होने में रेफ्रिजरेंट का कम हो रहा होता है, ऐसे ही लो होने में ओवरचार्जिंग रेफ्रिजरेंट, यानी अगर गैस उसमें 400 केजी भरनी है और हमने उसकी जगह 450 या 500 केजी भर दी तो हमारी सुपरहीट लो चलेगी फ्रेंड, ठीक है। तो ये चीज मेन कारण होते हैं, लो होने में ओवरचार्जिंग और हाई होने में लो रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का कम होना। तीसरा इसका मेन रीजन होता है एयर इन सिस्टम, अगर उसके सिस्टम में एयर आ जाती है, सिस्टम से मतलब मेरा जो क्लोज लूप रेफ्रिजरेंट का चलता है, अगर उसमें एयर आती है तब जो है उस कारण में लो, अगर मॉइस्चर आएगा तो हाई होगी और एयर अगर होगी तो लो हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। ये मेनली तीन कारण हैं लो होने के और ये आठ कारण हैं हाई होने के, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारी सुपर हीट है उस सुपर हीट से लॉसेस क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा कि सुपर हीट बढ़ने से क्या नुकसान होते हैं, सुपरहीट कम होने से क्या नुकसान होते हैं। तो क्वेश्चन कोई भी कुछ भी कह सकता है, कह सकता है अगर सुपरहीट बढ़ जाती है तो क्या नुकसान होंगे, तब आपको बताना पड़ेगा। सुपरहीट हाई हो जाती है तो क्या नुकसान होंगे। देखिए फ्रेंड, सुपरहीट अगर हाई हो या लो हो दोनों ही कारणों में नुकसान तीन ही होंगे, ठीक है। कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा, लो एफिशिएंसी हो जाएगी, लो कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये हाई होगी तो भी ये तीनों काम होंगे, अगर ये लो होगी तो भी तीनों काम होंगे। कैसे मैं बताता हूँ, होगा क्या क्या वो आप डीपली समझ लीजिए। अगर सुपरहीट हाई हो जाती है तो क्या नुकसान होगा और कैसे होगा, देखिए। सबसे पहले हाई होने के बाद कंप्रेसर डैमेज होगा। अब कंप्रेसर कैसे डैमेज होगा, जब हाई होगी तो फ्रेंड क्या होगा कि जो हमारा कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर का टेम्परेचर नॉर्मल जितना चलता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर वो चलेगा। मीन्स कंप्रेसर अगर हमारा चलता है और 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलता है जब नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है कोई प्लांट, और अगर सुपरहीट उसकी हाई है तो वो 60 डिग्री 65 डिग्री तक जाने लगेगा, यानी टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कंप्रेसर में ऑयल भरा हुआ होता है, ऑयल की विस्कस्टी कम हो जाएगी, यानी ऑयल में जो चिकनाई होती है वो कम हो जाएगी, और ऑयल में जब चिकनाई कम हो जाएगी तो उसमें वियर एंड टियर बढ़ जाएगा, यानी घिसने लगेंगे पार्ट ज़्यादा, और जब पार्ट ज़्यादा घिसने लगेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके कारण कंप्रेसर के जब पार्ट ज़्यादा अंदर घिसने लगेंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, हमारे जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, प्लांट की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। हाई होने के कारण प्लांट की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, कंप्रेसर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो कम हो जाएगी। अब बात करते हैं लो के केस में, ठीक है फ्रेंड। अगर होती है लो, मान लीजिए हमारी सुपर हीट लो हो जाती है, तब हमारे कंप्रेसर को नुकसान होगा। तब किस केस में कंप्रेसर को नुकसान होगा फ्रेंड, अगर लो हो जाती है फ्रेंड, हाई होने पे ज़्यादा मेजर नुकसान नहीं होता, लो होने पे ज़्यादा नुकसान होता है। लो होने पे क्या होगा, सबसे पहली एक कंडीशन होती है कि कंप्रेसर में जब हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो जाए तो प्रॉपर गैस फॉर्म में ही जाना चाहिए, उसमें लिक्विड नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ड्राई हो और गैस फॉर्म में जाए। तो सब अब मान लीजिए सुपरहीट हमारी लो चल रही है तो वो क्या होगा फ्रेंड, उसमें प्रॉपर गैसियस फॉर्म में चेंज नहीं होगा कंप्रेसर में जाने से पहले रेफ्रिजरेंट, और वो क्या करेगा कि उसको जो है लिक्विड फॉर्म में भी थोड़ा बहुत लिक्विड फॉर्म में जाता रहेगा, वेपर की फॉर्म में जाता रहेगा, और जब वो वेपर की फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कंप्रेसर में जाएगा तो फ्रेंड वो क्या है वहाँ पूरा नुकसान कर देगा, यानी पानी अगर उसके अंदर, अब वो गैस की फॉर्म को कंप्रेस करने के लिए बनाया गया है और उसमें पानी या रेफ्रिजरेंट जा रहा है तो वो क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा, मीन्स वो खराब करेगा, उसमें कंप्रेसर में जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं जाना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा, कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा हमारी एफिशिएंसी लो हो जाएगी, कैपेसिटी लो हो जाएगी। कारण दोनों समझ में आए, हाई से कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके कारण उसमें जो ल्यूब ऑयल भरा हुआ है कंप्रेस्ड ऑयल वाला कंप्रेसर में जो ऑयल चलता है वो खराब होगा, उसके कारण विस्कस्टी खत्म हो जाएगी उसकी, उसके कारण डैमेज होगा। और लो के केस में क्या है, इसमें रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में अंदर जाएगा और वो डैमेज कर देगा कंप्रेसर को, तो दोनों ही सूरत में कंप्रेसर ही डैमेज होता है। आशा करता हूँ आपको आज सुपरहीट में कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा, सुपरहीट के सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्यों होती है, कैसे होती है, कारण निवारण। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी शंका मन में है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। फ्रेंड देखिए, मेरा कुछ समझाने का तरीका अलग है, किसी और का समझाने का तरीका अलग है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं, तो आप ऐसा डाउट ना रखें कि भाई इसने बताया तो ये गलत है, उसने बताया तो वो गलत है, नहीं। आप
कोई भी डाउट है सीधा कमेंट कीजिए, मैं उसको 100% आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।